मेहुल जयकाल आर्मी के उस आदमी को पकड़कर डॉक्टर संजना की लैब में लेके जाता है। मेहुल उस आदमी से जयकाल के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बोलता। तब बुलबुलिया साइंटिस्ट कहता है, मेहुल मेरी लैब में एक ऐसी दवा रखी है जिससे खाने के बाद ये आदमी सारी सच्चाई बता देगा। तभी डॉक्टर संजना जोरों से चिल्लाती है, आंटी दोस्त तैयार हो गया। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब हम सारे शहर को बचा लेंगे। इसके बाद भूलभुलैया साइंटिस्ट और मेहुल तुरंत एक बगल वाले घर में जाते हैं, जहाँ पर पूरी की पूरी फैमिली केमिकल वाली गैस के कारण गहरी नींद में सो रही थी। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं भूलभुलैया साइंटिस्ट उन चारों लोगों में से सबसे पहले किसे एंटीडोज लगाएगा? ABCAD? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। भूलभुलैया साइंटिस्ट सबसे पहले उस बूढ़े आदमी को एंटीडोज लगाएगा, क्योंकि बाकी लोग काफी जवान है और तंदुरुस्त भी है, इसलिए केमिकल वाली गैस का साइड इफेक्ट उन पे कम होगा। बूढ़े लोगों की स्टैमिना कम होती है, इसलिए जयकाल की केमिकल वाली गैस बूढ़े लोगों पर जल्दी असर कर सकती है। इसलिए आपने भी देखा होगा कि कोविड वैक्सीन सबसे पहले बूढ़े लोगों को लगाई गई थी। भूलभुलैया साइंटिस्ट उस बूढ़े आदमी को एंटीडोज लगा देता है और 5 मिनट बाद उस बूढ़े आदमी को होश आ जाता है। मुझे क्या हो गया था? मेरे बच्चे दिन के समय में सो क्यों रहे हैं? इन्हें तो ऑफिस में होना चाहिए। अंकल, आप सब लोग बेहोश हो गए थे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी हम सारे परिवार को ठीक कर देंगे। इसके बाद मेहुल और भूलभुलैया साइंटिस्ट डॉक्टर संजना की लैब में वापस आ जाते हैं। लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से लॉक था। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा जिससे वो दरवाजा ओपन कर सके? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। पहले में 2 का स्क्वायर 4 - 1 वो 3 हो जाएगा, दूसरे में 5 का स्क्वायर 25 - 2 - 23 हो जाएगा, तीसरे में 9 का स्क्वायर 81 - 51 वो 30 हो जाएगा, तो फोर्थ में 4 का स्क्वायर 16 - 5 तो वो 11 हो जाएगा, मतलब कोड हो जाएगा 11। मेहुल तुरंत अपना दिमाग लगाकर कोड को सॉल्व कर लेता है और 11 नंबर प्रेस करके दरवाजे को ओपन कर लेता है। मेहुल और भूलभुलैया साइंटिस्ट फिर लैब के अंदर चले जाते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर संजना, हमारा एंटीडोज काम कर गया। लेकिन तभी डॉक्टर संजना मेहुल से कहती है, जयकाल के डीएनए से एक एंटीडोज तो बन गया, लेकिन सारे शहर को बचाने के लिए जयकाल का लगभग 100 ml ब्लड चाहिए। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब मुझे जयकाल का खून लाना होगा, तभी हम शहर को बचा पाएंगे। अरे सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम लोग आराम से जयकाल के अड्डे पे पहुंच जाएंगे और उसे बेहोश करके उसका खून वापस ले आएंगे। आलिया, ये मजाक का वक्त नहीं है, भला हम इतनी आसानी से जयकाल तक कैसे पहुंच सकते हैं? लॉजिकल आर्मी, क्या आपके पास कोई आइडिया है जिससे मैं आसानी से जयकाल तक पहुंच पाए? सोचिए सोचिए। कुछ देर पहले भूलभुलैया साइंटिस्ट ने बताया था कि उसके पास एक ऐसी दवा है जिसे खाकर जयकाल आर्मी का आदमी सच्चाई बता देगा। मेहुल उसी आदमी से सच्चाई पता करके जयकाल आर्मी की ड्रेस पहनकर जयकाल के अड्डे पे जा सकता है। आलिया, तुम डॉक्टर संजना के पास रहो। इसके बाद मेहुल अपनी पूरी मेहुल आर्मी को बुलाकर सिक्योरिटी के लिए डॉक्टर संजना की लैब के बाहर खड़ा कर देता है और भूलभुलैया साइंटिस्ट के साथ उसके घर की तरफ निकल पड़ता है। मेहुल अपनी कार बहुत तेज चला रहा था, क्योंकि उन लोगों को जल्दी से जल्दी साइंटिस्ट की लैब तक पहुंचना था। भूलभुलैया साइंटिस्ट ने उसके घर तक पहुंचने के लिए एक भूलभुलैया बना रखी थी। तो क्या आप बता सकते हैं ABC में से कौन सा रास्ता साइंटिस्ट के घर तक जाता है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। रास्ता ए साइंटिस्ट के घर तक जाता है कुछ इस तरह से। मेहुल और साइंटिस्ट रास्ता ए लेते हैं और साइंटिस्ट के घर तक पहुंच जाते हैं। साइंटिस्ट अपने फिंगर से डोर ओपन करके अंदर चला जाता है। लैब में सब चीजें तहस नहस हो रखी थी, लगता है यहाँ पे जयकाल आर्मी के लोग आके गए हैं। साइंटिस्ट एक कबर्ड खोलता है और उसमें दवाई मिल जाती है। दवाई लेकर दोनों घर के बाहर आ जाते हैं। साइंटिस्ट और मेहुल दोनों कार पे बैठ जाते हैं, लेकिन तभी मेहुल समझ जाता है कि वहाँ पे कोई और भी मौजूद है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि वहाँ पे कोई मौजूद है? सोचिए सोचिए। भूलभुलैया साइंटिस्ट के घर के बगल में लगे हुए पेड़ को ध्यान से देखिए, वहाँ नीचे पानी पड़ा हुआ है और पानी में किसी की परछाई आ रही है, मतलब पेड़ के ऊपर कोई छुप के बैठा है। लगता है जयकाल का लोग हमारा वेट कर रहे थे, हो सकता है यहाँ एक नहीं बल्कि बहुत सारे लोग हो। मेहुल आसपास के सीन को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि यहाँ पे और भी लोग हैं। कैसे लॉजिकल आर्मी, मेहुल को आसपास के सीन को देख के ऐसा क्यों लगा? सोचिए सोचिए। पास में इतने सारे पेड़ हैं, लेकिन कुछ पेड़ ही हवा के वजह से हिल रहे हैं, बाकी नहीं। मतलब हो सकता है ये हवा के वजह से नहीं बल्कि पेड़ के अंदर लोग छुपे हुए हैं,
उसके वजह से ये पेड़ हिल रहे हो। बुलबुले साइंटिस्ट, तुम मेरा रिवॉल्वर रख लो, यहाँ पर बहुत बड़ी करपट होने वाली है। इसके बाद मेहुल तुरंत अपनी जेब से बिस्किट बम निकालता है और उन पेड़ों के नीचे फेंक देता है। तभी अचानक पेड़ों के ऊपर से जोरदार फायरिंग होने लगती है। मेहुल की कार बुलेट प्रूफ थी, इसलिए बुलबुले साइंटिस्ट और मेहुल को कुछ नहीं होता। फिर मेहुल अपनी कार की स्पेशल पावर यूज करता है और एक बटन दबा देता है। जैसे ही मेहुल बटन दबाता है, कार के आगे वाले बोनट से फायरिंग होने लगती है और मेहुल की कार फायरिंग करने लगती है। मेहुल कार को चलाने लगता है और जिस साइड से फायरिंग हो रही थी, मेहुल कार को उसी साइड में मोड़ते जाता है। एक एक करके पेड़ के सारे लोग नीचे गिरने लगते हैं और बाकी जान बचाने के लिए जंप करते हैं तो बिस्किट बम पे गिर जाते हैं और ब्लास्ट हो जाते हैं। थोड़ी देर में पेड़ों से फायरिंग बंद हो जाती है, मेहुल कार से बाहर निकलता है। तभी अचानक पीछे से एक जयकाल आर्मी का आदमी चुपकर धीरे धीरे मेहुल की तरफ आने लगता है। उसके हाथ में एक रिवॉल्वर थी, लेकिन साइंटिस्ट ये देख लेता है और उस पर गोली चला देता है। और इसके बाद मेहुल और बुलबुले साइंटिस्ट तुरंत वो दवाई लेकर वापस डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाते हैं। मेहुल जयकाल आर्मी के उस आदमी को दवाई में पानी मिलाकर पिला देता है और धीरे धीरे दवाई अपना असर दिखाने लगती है और वो आदमी नशे में आ जाता है। मेहुल, दवाई काम कर चुकी है, अब तुम इससे सवाल पूछो। बताओ, इस वक्त जयकाल कहां से अपना प्लान ऑपरेट कर रहा है? तब वो आदमी बताता है कि शहर के पास जंगल में जयकाल ने एक लैब बना रखी है और वहीं से बैठकर सारे शहर को मारने का प्लान बना रहा है। जयकाल आर्मी का वो आदमी एक एक करके जयकाल की सारी इन्फॉर्मेशन मेहुल को दे देता है। मेहुल तुरंत उस आदमी के कपड़े उतारकर पहन लेता है। मैं जयकाल के अड्डे पे जा रहा हूँ और उसका ब्लड लेकर ही वापस आऊंगा। मैं भी आपके साथ चलूंगी सर। नहीं, वहाँ बहुत खतरा है, तुम यहीं पर रुको और सारे लोगों की रक्षा करो। इसके बाद आलिया बहुत जिद करती है। फाइनली डॉक्टर संजना के कहने पर मेहुल उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। जाते जाते मेहुल अपनी आर्मी से कहता है, डॉक्टर संजना और बुलबुले साइंटिस्ट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अब तुम्हारे हाथों में है। तो क्या मेहुल जयकाल की लैब में पहुंचकर उसका खून ले पाएगा? क्या बुलबुले साइंटिस्ट और डॉक्टर संजना जयकाल के खून से एंटीडोज बनाकर सारे शहर को बचा लेंगे और क्या जयकाल से बच पाएंगे? इसके आगे की कहानी हम देखेंगे अगले एपिसोड में, जो आखिरी एपिसोड होगा। थैंक यू।